सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें यश प्रभाकर, परमिंदर प्रभाकर और ब्रिज प्रभाकर एंड पाटी ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उपप्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, संयुक्त सचिव CA VM अरोड़ा, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, बलदेव आनंद, पार्षद रीटा शर्मा, सीमा गल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में मां भक्त यहां मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। भगवती माँ के अंतक सेवादार माँ जी का आशीर्वाद लैन आए और सानू आशीर्वाद देने वास्ते आए। दोपहरे 2 बजे संकीर्तन होएगा महाराणी के दरबार से पहले, उस तो बाद शोभा यात्रा की रवानगी महाराणी त्रिपुर मालिनी की अगवाई हेठ होएगी। अगे अगे ज्योति स्वरूपा महाराणी खुद होएगी, पिछे सारी संगत चलते हुए शहर की परिक्रमा करते हुए रात देर तक इस दरबार च आके आरती के नाल संपन्न होएगी शोभा यात्रा। सारी संगत हुम हा के पहुँच के प्रभु राम जी का आशीर्वाद लो और महाराणी त्रिपुर मालिनी का आशीर्वाद होएगा। और इस तरह संगत नोट कर लवे कि 7 अप्रैल को महाराणी त्रिपुर मालिनी के इस दरबार का सालाना मेला है, जिस दे सारी संगत अपनी अपनी तैयारी कर लवे। राजू मखीजा जी जिन्होंने सवेरे 6 बजे तो लैके तो रात 1 बजे तक सारा दिन लगातार अलग अलग तरह के लंगर लगाने की अनाउंसमेंट कराई है, उन्होंने जगह भी पिछले पास दे दी गई है। जेडे होर किसी सज्जन ने लंगर लगाना हो तो सानू लिखा देवे ताकि असीं उन्हें जगह दे सकीए, जां होर कोई चीज़ चाहिए हो तो भी दे सकीए। और अगले शुक्रवार तो मेरे सारे सज्जन, मेरे वीर दमन जी, सुनील अरोड़ा जी, राजकुमार जी ते होर साथी सारे, मनीष अरोड़ा जी, मनीष शर्मा जी, सारे मिलके बैठ के कलैक्शन का प्रोग्राम शुरू करनगे। जिन्होंने जिस किस्म का भी कोई योगदान माँ के दरबार के इस मेले च पाना होवे अपना योगदान पा सकता है, और उसकी रसीद, उसकी पर्ची जरूर लैके जाए
ये बेनती है साढ़े प्रधान श्री शीतल विज जी की कि जिन्हां ने जो भी देना है लंगरां दे विच या वैसे मंदिर वास्ते उसकी रसीद जरूर लैके जाए, ये बेनती है साड़ी।